ये जो है फ्रेंच टोस्ट के व्हील्स हैं, इसको मैं इसमें लगाने वाला हूँ। चलिए फटाफट से इसके व्हील भी एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंच टोस्ट के व्हील्स के साथ में। तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस यार, आज के वीडियो में फिर से एक और नया स्केट एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। और क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं वो तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा थंबनेल वगैरह में देखकर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। तो देखो गाइस, ये जो है मेरा स्केट बोर्ड है और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो व्हील्स लगे हुए हैं बहुत छोटे हैं। तो इन्हीं व्हील्स को आज मैं चेंज करने वाला हूं 110mm के व्हील्स के साथ में। तो कौन से रहेंगे, ये जो है फ्रेंच टोस्ट के व्हील्स हैं, इसको मैं इसमें लगाने वाला हूं और यही आज का एक्सपेरिमेंट होने वाला है। वैसे तो ये भी अच्छे व्हील से, स्पीड व्हील से मतलब अच्छे खासे जाया करते हैं ढलान वगैरह में भी, लेकिन फिर भी ज़्यादा दूर तक रोलिंग करते हुए नहीं जा पाते हैं। और इंडियन रोड के हिसाब से तो फिर छोटे व्हील्स फिर खराब ही रहते हैं, अच्छे ही नहीं माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये जो 110mm के व्हील्स है वो लगाने वाला हूँ और फिर हम देखेंगे कि कैसे क्या चलते हैं, कितने क्या जाते हैं, वैसे वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी इसमें लगाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं इस तरह से लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये जो व्हील है इसमें बोर्ड में टच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लगाने की कोशिश करूँगा तो टच होएगा, और ये जो एक्सल का होल है, मतलब ये बेयरिंग का होल है और ये जो एक्सल है, ये दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर लगाने में दिक्कत आ रही है। तो अगर मुझे इसे यहाँ पर लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बोर्ड को काटना पड़ेगा, इतना हिस्सा यहाँ पर काटना पड़ेगा जहाँ पर ये टच हो जाएगा। तो उतना हिस्सा काटूंगा तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ी बहुत का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम, अगर मैं यहाँ पर यूँ काट देता हूँ इतना हिस्सा, तो यहाँ पर पट्टी बन जाएगी बीच में, और इतना हिस्सा अगर ये रहेगा तो ये बोर्ड जो है ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो ये टूट भी सकता है, वो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको काटने के तो बात ही छोड़ो, ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने दूसरा वाला बोर्ड लाया हूँ, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो बोर्ड है मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ नया स्केटबोर्ड बनाने के लिए। ये वाला बोर्ड थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये अच्छा वाला है, हैवी वाला है और वजन भी बहुत ज़्यादा ही है। वैसे इतना भी खास नहीं है स्केटबोर्ड के हिसाब से, क्योंकि इसका वजन कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी अभी काम चलाओ मुझे यही मिला है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ से काट दूंगा तो फिर ये मजबूत भी रहेगा, अगर पट्टी भी रहती है तब भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि हम स्टंट वगैरह तो कुछ करने वाले हैं नहीं। अगर स्टंट वगैरह करते तो एक बार रहता कि हाँ दिक्कत आ सकती थी टूटने वगैरह का, लेकिन हम नॉर्मल चलाने वाले हैं ढलान वगैरह में, और ये नॉर्मल चला कर देखेंगे तो फिर इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए करते हैं हमारी आगे की प्रोसेस शुरू। और इसको अभी तो मुझे पहले मेजरमेंट करना पड़ेगा और काटना पीटना कहाँ से है, और ये ट्रक जो है ये वाले इनको कहाँ पर कसना है, उनके होल वगैरह भी मेजरमेंट करना पड़ेगा एकदम सीधी रेखा में, तो वो भी करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसकी मेजरमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम इसको काटते भी हैं। तो गाइस अभी मैं जो है इसके जो ट्रक्स है दोनों खोल रहा हूँ और फिर जो है इसमें मेजरमेंट करके देखूंगा। तो पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर देखेंगे बाद में। तो अभी ये दूसरा वाला भी खुल चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये दोनों खुल चुके हैं और अब जो है मुझे इनको यहाँ पर रखकर इस वाले बोर्ड पर फिर मेजरमेंट करके और उसमें होल करने पड़ेंगे। फटाफट से इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ। पहले मैं इस वाले बोर्ड पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इनको बिल्कुल कॉर्नर पर रखने वाला हूँ यहाँ पर, तो मुझे बीच में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ से मैं इतना हिस्सा काट दूंगा। तो यहाँ पर इधर कॉर्नर पर रखा जाएगा दो साइड में, तो अच्छा रहेगा। तो गाइस इस साइड का भी मैंने मेजरमेंट कर दिया है, तो दोनों तरफ आपको देख सकते हैं डॉट डॉट बना दिए हैं मैंने, और यहाँ पर मुझे होल करना है, बाकी काटना वगैरह हम बाद में करेंगे। तो गाइस अभी मैं इसमें ड्रिल करने के लिए मेरी होममेड ड्रिल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो इसका भी साथ साथ ट्रायल हो जाएगा, ये चलती है या फिर नहीं चलती है, काम आएगी या फिर नहीं आती है। हो गया गाइस, यार मेरी जो होममेड ड्रिल मशीन थी वो काम कर चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरह से होल हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी ड्रिल मशीन भी काम कर गई है। तो चलिए फटाफट से बाकी होल्स भी कर लेते हैं हम। तो गाइस इस साइड के चारों होल्स मैंने कर दिए हैं, अब उस साइड की बारी आती तो उनको भी कर लेते हैं फटाफट से। देखो गाइस मैंने मेरी होममेड ड्रिल मशीन से मैंने चार चार होल दोनों तरफ कर दिए हैं पटिए के, और ये जो है यहाँ पर होल हो चुके हैं। और अब जो है मुझे ये जो ट्रक्स है इनको यहाँ पर इस तरह से फिट करके देख लेना है, और फिर उसके बाद में मेजर कर लूँगा मैं कि बिग व्हील अगर लगाऊंगा तो कहाँ पर टच होगा, और उस जगह पर मैं निशान वगैरह बनाकर फिर उसको कट भी कर लूँगा, तो वहाँ पर जो है फिर मैं बिग व्हील भी लगा सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको मेजर करके और फिर इसको काट भी लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों साइड मेजरमेंट कर लिया है कहाँ कहाँ पर मुझे काटना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इतना हिस्सा यहाँ पर उड़ाना है और यहाँ पर इतना हिस्सा, और इस साइड तो कहीं छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर पूरा ही उड़ जाएगा इतना। तो चलिए फटाफट से इनको काट लेते हैं।
गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो मेरा बोर्ड है इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ फिनिशिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने पहली बार ग्राइंडर चलाया है और पहली बार इस तरह से मशीन से काटा है, तो फिनिशिंग वगैरह आपको देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो काम है वो चल जाएगा, हमारा जो बोर्ड है वो बन सकता है। तो दोनों तरफ कुछ इसी तरह से कटा है, फिनिशिंग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी चलिए फटाफट से हम इसमें ट्रक वगैरह कस के देखते हैं और फिर जो है हमारा बोर्ड कैसा लगता है वो देखते हैं, उसके बाद में हम लगाएंगे बिग व्हील्स। गाइस अभी जो है एक साइड का ये ट्रक मैंने कस दिया है कुछ इस टाइप से, तो अब दूसरे साइड का भी कस देते हैं फटाफट से। तो गाइस फाइनली मेरा जो स्केटबोर्ड है यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी स्मॉल व्हील है लेकिन फिर भी यहाँ पर रेडी तो हो ही चुका है, बस इसमें बिग व्हील लगाने की देरी है। तो चलिए फटाफट से इसके व्हील भी एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंच टोस के व्हील्स के साथ में। ओ भाई इतना टाइट कैसे हो जाता मुझे समझ में नहीं आता। तो गाइस फाइनली फ्रेंच टोस के चार व्हील्स निकल चुके हैं और अब इनको बारी आती है इनमें लगाने की, इसमें लगाने की बारी आती है, तो फटाफट से इसमें भी लगा ही लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा जो स्केटबोर्ड है यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मस्त और ऑसम लग रहा है। और हाँ मैं इसमें आपका डिफरेंट भी बता देता हूँ किस तरह का था पहले वाला स्केटबोर्ड और अभी का स्केटबोर्ड है उसमें क्या क्या डिफरेंस आ चुके हैं। तो ये है पहले वाला बोर्ड है ये आप देख सकते हैं और इसमें जो व्हील्स लगे थे वो यहाँ यहाँ पर लगे हुए थे इतने, तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर इतने हिस्से में यहाँ पर जो है इसके व्हील्स लगे थे यहाँ यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है अभी तो साइज में लंबा हो चुका है। और व्हील साइज तो आपको दिख ही रहा है कितना ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ये कितने बड़े दिख रहे हैं। और पुराने वाले जो व्हील्स बताऊं स्केटबोर्ड के तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं लग रहे हैं, मतलब बहुत छोटे लग रहे हैं पुराने वाले व्हील्स। तो इसे बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सुबह से अभी शाम होने में आ गई है, अभी तक मैं भिड़ा हूँ। और आपको वीडियो में ईजी लग रहा होगा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा यार, तो बहुत मुश्किल से बना है, ग्राइंडर वगैरह कटिंग वगैरह और इसका भी जुगाड़ करना पड़ा था मुझे, ड्रिलिंग के लिए भी इसके लिए भी जुगाड़ करना पड़ा था, तो आपने देखा ही मेरा जुगाड़ वगैरह भी। और तो अभी ये बन चुका है, उतना ही बहुत है, इसकी टेस्टिंग वगैरह करना है तो अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सुबह से अभी तक बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो गई है और अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ट्रायल वगैरह भी लेने का मन वगैरह भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इसका ट्रायल वगैरह देखने को मिलेगा, इसी को हम चलाने के लिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग टाइप में जाएंगे या फिर किसी भी तरीके से जाएंगे लेकिन इसको ही चलाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रायल वगैरह देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये स्केटबोर्ड मैंने बना लिया है बिग व्हील वाला और ये बहुत जुगाड़ करके बनाया है। और हाँ एक मेरा और दिमाग में चल रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाऊं, लेकिन अभी जो है मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी बनाएंगे। वैसे मैं सोच ही रहा हूँ अभी बनाने की, अभी कुछ बजट वगैरह तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड बनाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। तो आज तो हमारा स्केटबोर्ड बन चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, सफल हो चुका है, बन चुका है, बस इसका ट्रायल लेने की जरूरत है, तो ट्रायल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं वीडियो में कहीं स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो बाय गाइस।